स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या ये ओला उबर हमको कम रेट देता है, इसके लिए कस्टमर को परेशान करना क्या सही है। देखिए दोस्तों, मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल राय है, मेरी राय आपकी राय से अलग हो सकती है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम ओला या उबर की बुकिंग एक्सेप्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि ये सर्च भी नहीं है, कस्टमर का बिल कम है, ओला उबर ने रेट कम लगाया है, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देते हैं। कई ड्राइवर भाई क्या करते हैं, कुछ एसी नहीं लगाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कस्टमर से ठीक से बात नहीं करते हैं, या कस्टमर ने कुछ पूछा तो उनको ठीक से जवाब नहीं देते, या किसी कस्टमर ने बोला रास्ते में थोड़ा बीच में 2 मिनट रुकना है भाई, या पानी लेना है, या किसी ने कहा कि थोड़ा म्यूजिक म्यूजिक चला दो भाई, या किसी ने कुछ भी बात बोला, तो हम ड्राइवर भाई ओला उबर का गुस्सा कस्टमर पर निकाल देते हैं और हमको उनको ठीक से रिप्लाई नहीं देते, ठीक से उनको सर्विस नहीं देते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि एक बीच में एक आंदोलन शुरू हुआ था, जितने ओला उबर के ड्राइवर भाई थे वो लोग गाड़ियाँ, जैसे गाड़ी बुक होती थी ओला उबर से तो कस्टमर आते थे गाड़ी में तो वो लोग एसी नहीं चालू करते थे वो लोग, और उसका नाम दिया गया था एसी स्ट्राइक। पर दोस्तों मुझे लगता है ना, ये जो इस तरह के हम लोग काम करते हैं, कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं देते हैं, ये मुझे लगता है दोस्तों गलत है। दोस्तों गलत इसलिए है कि हमारा घर ओला उबर के ऊपर नहीं चलता है, हमारा घर उस कस्टमर के ऊपर चलता है जो कस्टमर हमारे गाड़ी में आते हैं, बैठते हैं और हमें पैसे देते हैं, हम ही उनको सर्विस देते हैं और वो हमें पैसे देते हैं, तो हमारा घर उन पर चलता है। जैसा कि हमारे भारत में कहा जाता है कि कस्टमर भगवान का रूप होते हैं, तो हमें एक्चुअली इस बात को भले भगवान ना समझे कस्टमर को, लेकिन हमें उनको नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों हमारा गुस्सा ओला उबर पर है, हमारा गुस्सा कस्टमर पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कस्टमर अपने जगह पर सही है, अगर ये कम रेट दिखाता है, कम रेट लगाता है, ये गलती ओला उबर की है, ये गलती कस्टमर की नहीं है। कस्टमर ऐसा नहीं बोलता कि हम आपको कम रेट में हम गाड़ी बुक कर रहे हैं, जो रेट ओला उबर दिखाता है कस्टमर वही रेट में गाड़ी बुक करते हैं। आपने देखा होगा कई बार रेट ओला उबर रेट ज़्यादा लगाता है तब भी कस्टमर गाड़ी बुक करते हैं, भले नॉर्मल रेट में 100 लोग गाड़ियाँ बुक करते हैं तो अगर रेट बढ़ जाता है, सर्ज लग जाता है तो 100 नहीं 80 लोग गाड़ी बुक करते हैं, तब भी लोग गाड़ी बुक करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये ओला उबर का है, ये लोग अपना ज़्यादा बुकिंग दिखाने के चक्कर में ये लोग कम रेट लगाते हैं और इसमें हमारा लॉस होता है, हमारा घाटा होता है। और दोस्तों ये ओला उबर कम रेट लगाते हैं और ज़्यादा बुकिंग बनाने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, दोस्तों मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओला उबर रेट क्यों नहीं बढ़ाते हैं और कम रेट में गाड़ी क्यों चलवाते हैं, ओला उबर का उसमें क्या फ़ायदा है, वो पूरा डिटेल से मैंने उस वीडियो में बताया है, आप प्लीज़ वो भी वीडियो देखेंगे, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा और काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। इसमें दोस्तों गलती कस्टमर की बिल्कुल नहीं है, गलती ओला उबर की है। दोस्तों आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, अगर मान लीजिए आप खुद पे ले लीजिए, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो अगर आपको दो चीज़ों का आप अगर भाव देखते हैं और दोनों का सर्विस सेम है और एक का रेट ज़्यादा है, एक का रेट कम है, तो आप निश्चित बात है दोस्तों आप कम वाली चीज़ें खरीदेंगे, आप ज़्यादा पैसा क्यों देंगे। मान लीजिए हम खुद ही ओला उबर बुक करते हैं और मान लीजिए आपको किसी जगह जाना है तो उसी जगह जाने का ओला आपको 200 बता रहा है और उबर आपको 300 बता रहा है, तो सीधी बात है आप 200 वाला ओला बुक करोगे, या मान लीजिए ओला आपको 300 बता रहा है, उबर 200 बता रहा है, तो आप उबर बुक करोगे जो कम रेट है। और उस समय अगर ओला का ड्राइवर या उबर का ड्राइवर वो आपको या आपके परिवार का कोई आदमी सफ़र कर रहा है, उस गाड़ी में बैठा है और वो ड्राइवर उससे ठीक से व्यवहार ना करे, बदतमीजी से बात करे या उनको कुछ गलत बात बोले, उनको अच्छी सर्विस ना दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। उसी तरह दोस्तों हमें भी ये सोचना चाहिए कि जो हमारे गाड़ी में बैठा है वो भी किसी के परिवार का हिस्सा है, वो भी एक सफ़र कर रहा है, वो पैसे दे रहा है, देखिए वो सफ़र कर रहा है और हम उसको ले जा रहे हैं, ना वो हम पे एहसान कर रहा है ना हम उस पे एहसान कर रहे हैं, उसको भी कहीं जाना है इसलिए पैसे दे रहा है, हम भी उसे ले जा रहे हैं इसलिए हम उससे पैसे ले रहे हैं, तो कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। मेरे बोलने का मकसद यही है कि हमें किसी भी कस्टमर से कोशिश करना चाहिए कि गलत बात ना करें, उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करें, उनको अच्छा बात करें, अगर हो सके तो बात ना करें, अगर आपको तकलीफ़ है बात करने में तो बात ना करें। आपकी नाराज़गी ओला उबर से है तो आप ओला उबर से नाराज़गी दिखाएं, वो ओला उबर से बात करें, वो अलग मैटर है, लेकिन इसका हमें तकलीफ़ कस्टमर को नहीं देना है, मेरा बोलना यही है। कई बार कुछ कस्टमर अपने पर्सनल प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं या हमसे ठीक से बात नहीं करते हैं, और ड्राइवर को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जैसे बहुत ड्राइवर क्या करते हैं, ड्रॉप लोकेशन पूछते हैं और
बुकिंग कैंसिल कर देते हैं या पूछते हैं कैश है या ऑनलाइन है, पूछ के राइड कैंसिल कर देते हैं, इससे कस्टमर परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि सब ड्राइवर बुरे होते हैं। तो दोस्तों हमें ही उनको अच्छे से बात करना है, उनका नज़रिया चेंज करना है, उनको लगना चाहिए कि सब ड्राइवर बुरे नहीं होते हैं। अगर हमने भी उनसे बुरे से बात किया, उनको गुस्से से बात किया, उनको अच्छी सर्विस नहीं दी, तो उनके मन में ख्याल बैठेगा कि ओला उबर के ड्राइवर बहुत बुरे होते हैं, सबके सब बुरे होते हैं। पर दोस्तों हमें उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करना चाहिए, हमें अपने गुस्से को अपने मन में रखना चाहिए। और अपने अगर हम अपने घर में पर्सनल प्रॉब्लम में परेशानी में हैं या हमारे पर्सनल बहुत सारी बातों में दुविधा में दिक्कत में है, तो हमें उनको अपना प्रॉब्लम उनको दिखना नहीं चाहिए कि हम लोग प्रॉब्लम है उसे। जिस तरह हम नहीं चाहते कि कस्टमर के अपने पर्सनल प्रॉब्लम से हमको उसका असर पड़े, हमें उनका कस्टमर ठीक से गलत बात करे, हमसे गलत व्यवहार करे, उस तरह कस्टमर को भी हमें अपने पर्सनल प्रॉब्लम का, अपने घर की प्रॉब्लम का, अपनी ज़िंदगी का प्रॉब्लम का असर कस्टमर पर नहीं दिखाना चाहिए। कस्टमर अपने जगह सही होता है, कस्टमर हमेशा चाहता है कि उसको अच्छी सर्विस मिले कम पैसे में। अब ये डिपेंड है ओला उबर पे कि वो कितना रेट लगाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग को कस्टमर से अच्छे से बात करना चाहिए, उनको नाराज़ नहीं करना चाहिए, उनसे हमारा घर चलता है। अगर आप उनको नाराज़ करेंगे तो हमारे में कहा जाता है कि लक्ष्मी को नाराज़ करना। दोस्तों शायद मेरी बात से आप सहमत ना हो, पर मुझे लगता है कि इससे हमारे धंधे में बरकत नहीं होगी, हमारा लक्ष्मी नाराज़ हो जाएगा। हमें कभी भी अपने कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहिए। जो भी कस्टमर गाड़ी में बैठते हैं उनको अच्छे से बात कीजिए, उनको अच्छी सर्विस देने की कोशिश कीजिए। अगर वो चाहते हैं कि AC बढ़ा दीजिए तो थोड़ा AC बढ़ा दीजिए। वो बोलते हैं कि बीच में थोड़ा 2 मिनट रुक के पानी लेना है या कुछ 2 मिनट कुछ खरीदना है या किसी को रास्ते में पिकअप करना है, तो अगर आपके रूट में है तो पिकअप कर लीजिए। अगर रूट अलग है तो उसको बोलिए कस्टमर को कि सर इस पर ऐड कर दीजिए, ये तो हमारे बिल में काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर आपके रास्ते में है तो उसको पिकअप कीजिए, अच्छे से बात कीजिए उनको। जब गाड़ी में बैठते हैं उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलिए, जब उतरते हैं तो गुड नाइट शुभरात्रि बोलिए, ऐसे बात कीजिए, कस्टमर को भी अच्छा लगना चाहिए। दोस्तों हमारा कस्टमर के साथ आधे घंटे 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का सफ़र होता है। हम क्यों ऐसा करें कि उनको मन में एक बुरा उनके मन में एक खराब यादें छोड़ दे कि कितना बुरा ड्राइवर मिला था। हो सकता है तो उससे अच्छे से बात कर लो, अच्छी सर्विस दे दो कि उसको भी याद रखे अच्छा ड्राइवर मिला था, देखो कितना बढ़िया ड्राइवर था। वो हमको दिल से दुआ दे जो हमारे धंधे में और बरकत हो, हमें और हमें भी अच्छा लगे कि हम किसी अच्छे से बात करते हैं। दोस्तों शायद मेरी बात से आप सहमत ना हो, या आप सहमत है तो ये आपकी मर्ज़ी है, पर मुझे लगा मैंने जो एहसास किया मैंने आपको वो बताया है। दोस्तों अगर आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे काम की वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे जानकारी देकर हमारे ड्राइवर भाइयों को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के धन्यवाद, मिलते अगली वीडियो में।